निनगमा तमंग भाई पूछते हैं, हु इज योर गर्लफ्रेंड? अबे सो हेलो भाई लोग, क्या हालचाल? क्रिसमस मना लिया? 3 दिन से वीडियोस नहीं आई, इसलिए मुझे मिस कर रहे थे? नहीं चल झूठा। खैर जो भी हो गाइस, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले Q&A। जब मेरे 400 सब पूरे हुए थे तभी मैंने मेरे उस स्पेशल वीडियो में सवाल पूछने को बोला था, और तुम लोगों ने दबा के सवाल पूछा। और हाँ, हो सकता है कि मैं सभी के सवालों के जवाब ना दे पाऊँ, तो इसलिए जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने तो एक जैसे सवाल ही पूछे थे, और तुम लोगों ने जिस तरह से सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया भी। और जो लोग जो है हमारी फैमिली में नए नए मेंबर्स जो जुड़े हैं और वो लोग जो उस Q&A में जो है सवाल नहीं पूछ पाए, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं 1000 सब्सक्राइबर जब पूरा होगा तभी मैं एक Q&A करूँगा, वहाँ पर जाकर के तुम लोग जो है पूछ लेना। तो यार यही बोलूँगा लास्ट में, वीडियो को पूरा देखो, मजा लो, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, और हाँ लास्ट में यार कान में ईयरफोन डाल लो। अब मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद ना कुछ लोगों ने मेरे चैनल में इंट्रो ना होने का मजाक भी उड़ाया था, तो यार देखो हम भी चैनल में इंट्रो लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, मुझे जो इंट्रो लगाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही चुल मचा इंट्रो देखने का तो भैया रोल द इंट्रो। तो यार देखो, अगर ये इंट्रो तुम्हें जो पसंद आया, तो मैंने ये इंट्रो खुद नहीं बनाया, ये इंट्रो बनाने में मेरी हेल्प जो अर्नब हटाके ने की है। ये बंदा कमाल का मीमर है, कमाल का एडिटर है, और साथ में एक यूट्यूबर भी है। एक मिनट, मैंने गांजा वांजा तो नहीं फूंक लिया? यूट्यूबर भी है मतलब ये क्या होता है? अबे यूट्यूब पे जितने मेरे सब्सक्राइबर है उससे डबल तो उसके चैनल पे सब्सक्राइबर हो रखे हैं, उल्टा इंस्टाग्राम पे उसके 1200 से ज्यादा फॉलोअर हो रखे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर उसके चैनल का प्रमोशन पागलों की तरह क्यों कर रहा हूँ? खैर यार मजाक को साइड पे रखते हैं, अभी के लिए तुम ये देखो। बस इनको मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे, तुम यहां गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा बना करो। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। राम साधे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो यार ये मीम था या क्रैक था मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे ये सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हें देखने के बाद जो मज़ा आया, तो इसके चैनल को जाकर के जरूर विजिट करना, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे भी लिंक दे दूंगा। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही खुजली है, ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है वहां जाने के लिए, तो तुम लोग जो है सीधे जाकर के यूट्यूब पे इसके चैनल का नाम जो है सर्च कर लेना, अर्नब हटाके। ये अपने चैनल में जो ऐसे ही वीडियो जो सैकड़ों बना के रखा है, और जरूर जाकर के इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो करना करना। और अब बात करते हैं Q&A की। हुसैन शेख भाई ने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर मैं किसी का नाम गलत ले लूं तो माफ कर देना, मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा जो बहुत घटिया है। फर्स्ट, योर फेवरेट एनिमे मूवी? यार एक नहीं, दो है, योर नेम एंड आई वांट टू ईट योर पैनक्रास। अगर तुमने ये दोनों मूवीज नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, मुझे जहां तक लगता है तुम लोगों ने ये मूवी देख ली होगी, और कमेंट बॉक्स में बताओ ये दोनों मूवीज तुम्हें कैसी लगी। सेकंड क्वेश्चन, फेवरेट हेंताई एनिमे? हेंताई नहीं देखता यार, लाइव एक्शन ज्यादा प्रीफर करता हूँ। थर्ड, फेवरेट एनिमलिस्ट? कभी वीडियो बना दूंगा तब देख लेना। फोर्थ, भाई 1K सब्सक्राइबर कब होंगे? जब तुम लोग का मन करे तब तुम लोग करवा देना, वो तुम्हारी मर्जी, हम तो कोशिश करते रहेंगे। फिफ्थ, और भाई आपका आखिरी क्वेश्चन, एची वर्सेस हेंताई? एची, हेंताई मैंने 2 या 3 देखे हैं, बट वो मुझे ज्यादा खास नहीं लगते, लेकिन अगर मैं वही बात करूँ एची एनिमेस की, तो हाई स्कूल DSD, हाजिमे तो नो गेल, रेंट ए गर्लफ्रेंड, हाई स्कूल ऑफ द डेड, या फिर उसके अलावा मैं बात करूँ फूड वॉर्स की, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं जो एची के साथ ज़्यादा प्रीफर करूँगा। आगे ब्लेजिंग नोवा पूछता है, भाई आपके टूथपेस्ट में मर्द मलाई है? अरे कहना क्या चाहते हो भाई, जानते हो
इस क्यों ने में मेरा सबसे ज्यादा सवाल यह है कि भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तेरे इस सवाल को देखने के बाद ना यही लगता है कि सबसे बड़ा वेला नल्ला भूखा नंगा गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होके मरने वाला इंसान तू ही इस दुनिया में बैठा हुआ है। तुम जैसे के लिए ना ज्ञानी भाई ने सही है बोला है। हिला के सोचा नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल कंसल भाई पूछते हैं। कांग्रेस ब्रो थैंक यू यार। और क्वेश्चन की बात करें तो #ASKRVS फेवरेट वन पीस कैरेक्टर एंड आर्क रोरानोआ जोरो एंड वानो आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सरिता 99 पूछते हैं व्हाट आर योर व्यूज ऑन कैवेंडिश हाकुबा एंड इज ही एबल टू डिफीट जोरो। तो अगर मैं बात करूं जोरो को डिफीट करने की तो नहीं, जोरो जो काट देगा उसके उस फॉर्म में भी, क्योंकि उसे जो ऑब्जर्वेशन हाकी आती है और जोरो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से उसके अभी हमें जो ट्रू पावर का पता चलना बहुत ज़्यादा बाकी है और हमें जहाँ तक लगता है वानो आर्क में पता चल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें उसके हाकुबा की कैवेंडिश के तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्द डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। आपने मुझे पहले भी बोला तो मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं उसके ऊपर बना दूंगा जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा। बस उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में सर्च वगैरह करना पड़ेगा इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा तो वेट करते रहो, आ जाएगा जल्दी वीडियो। और इसके बाद फिर ये लिखते हैं बाय द वे कांग्रेचुलेशन फॉर 410 सब्स, कीप ग्रोइंग, मुस्कुराता चेहरा लाल दिल। थैंक यू। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी और आगे जाना है, अब बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखो और सपोर्ट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज देव भाई पूछते हैं #AskRVS वन पीस का जो नया एपिसोड आता है उसका रिव्यू क्यों नहीं करते, सिर्फ मांगा का ही करते हो। मैं मांगा नहीं पढ़ता और बहुत से लोग भी नहीं पढ़ते, तो प्लीज़ एपिसोड का भी रिव्यू बनाओ। तो भाई देखो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, मंडे टू सैटरडे मुझे ऑफिस जाना रहता है और तुमने मुझे देखा मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, वीक में मेरे 4 से 5 वीडियोस आ जाते हैं। और रहा बात मुझे एनिमे देखने का टाइम मिलता है कि नहीं, घंटा, मुझे सोने का टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है, मैं मुश्किल से 3 या 4 घंटे ही सो पाता हूँ। अगर मैं बात करूँ मांगा चैप्टर रिव्यू की तो सैटरडे को जो मेरा हाफ डे रहता है तो मैं कहीं पायरेटेड साइट से जाकर के जो मांगा चैप्टर डाउनलोड करता हूँ और उसका मैं रिव्यू बनाता हूँ, और इसलिए तुम्हें जो संडे को जो है शाम तक मांगा चैप्टर का रिव्यू देखने को मिल जाता है। और भाई सैटरडे को मैं रात भर मेहनत करता हूँ, संडे को सुबह मैं देरी से उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर वन पीस का नया एपिसोड देख करके मैं फिर से जो है सो जाता हूँ, और शाम को उठ करके तुम्हें वीडियो अपलोड कर देता हूँ और तुम लोगों का जो रिप्लाई वगैरह देता हूँ और फिर वो एनिमे वगैरह थोड़ा बहुत देखता हूँ या फिर जो दूसरे काम वगैरह रहता है वो सब करता हूँ, और फिर जो उसी में रात के 9 या 10 बज जाते हैं यार, और फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा सो जाता हूँ, क्योंकि मैं संडे को मानता हूँ नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जो दोबारा फिर से जो एक वीक रिटर्न मेहनत करना है, वही सेम मेहनत करना है, सेम शेड्यूल में वीडियोज़ बनाने, ऑफिस जाना है और उसके अलावा दूसरे भी काम करने हैं, और इसलिए मैं जो है टाइम नहीं दे पाता हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं संडे को भी वीडियो बनाऊँ ना तो मेरा सिर जो बहुत दर्द करेगा क्योंकि ठीक से सोया नहीं रहता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है यार, और मैं एक तरह से मशीन थोड़ी ना हूँ यार, बस वही प्रॉब्लम है, वरना रिव्यू करने का कुछ नहीं जाता, मैं संडे को आराम करता हूँ बस, और वीडियो तो नहीं बनाता संडे को, क्योंकि बनाया मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर लूँगा, लेकिन कभी ना कभी मैं बीमार पड़ जाऊँगा और तुम्हें जो वीडियोस नहीं देखने को मिलेगा, तो यही प्रॉब्लम है यार, और वरना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर भी करते हैं, तुम उनके वीडियोस देख सकते हो, तो यार सॉरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊँगा, क्यों नहीं बनाऊँगा, जब यूट्यूबर बनाऊँ, जब बनाता हूँ वन पीस पे तो उसमें बनाने में क्या जाता है, कोशिश करूँगा अगर टाइम दे पाता हूँ तो ज़रूर बना दूँगा यार। तो आई होप तुम लोग जो समझ गए होगे, तो इसलिए जो है नहीं बना पाता और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दाभी परासर भाई पूछते हैं #AskRVS ब्रो वन पीस की मांगा कैसे पढ़ें। तो यार सिंपल सा जवाब है, प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना SHONEN सोनन स्पेस देना JUMP जंप, सर्च कर देना, ये वाला ऐप आएगा, इसे इंस्टॉल कर लो, यहाँ पर जाकर के सर्च करना वन पीस, तुम्हें जो मांगा चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के मांगा चैप्टर आराम से रीड करो यार बिंदास होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमे नोट भाई ने 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है #AskRVS वन पीस कब देखना स्टार्ट किया और अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो यार वन पीस मैंने 1.5 साल पहले देखना स्टार्ट किया था, और एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसके ऊपर मैं कभी और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, और उसमें जो है तुम लोग देख लेना मैं वहां पर कैसे मैं एक ओटाकू बना, कैसे मैं एक एनिमे लवर बना, कैसे मैं एक वन पीस फैन बना, उसके ऊपर मैं आराम से डिटेल में बता दूंगा, तो वो वाला वीडियो देख लेना, कभी आएगा यार जरूर आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वन पीस के अलावा कौन सा एनिमे फेवरेट है तो बताओ। यार फेट सीरीज है, ये मुझे अटैक ऑन टाइटन से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मुझे इसका, मतलब एक तरह से जब मैं देखना स्टार्ट किया था ना मैं इसका दीवाना हो गया था, और अभी भी मैं इसके जो
सीरीज जो है मैं दोबारा रिपीट कर करके भी देखता हूँ कभी अगर फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाला सीरीज मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा अगर तुमने नहीं देखा है तो। इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो अपने यूट्यूब सफ़र के बारे में बताओ। क्या सफ़र के बारे में बताऊँ यार, पहले मेरा गेमिंग चैनल हुआ करता था, फिर उसे मैंने जो एनिमे चैनल में कन्वर्ट किया, फिर मैंने वन पीस चैनल में जो अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि वन पीस पे ज़्यादातर वीडियोस आ रहे हैं और मुझे जो वन पीस पे वीडियोस बनाने में मज़ा भी आता है, इसलिए मैं जो जॉब करते हुए भी मैं वन पीस पे वीडियो बनाना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो एडिटिंग रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग के लिए क्या यूज करते हो। देखो यार, एडिटिंग और रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो काइनमास्टर जिंदाबाद है, था और रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं उसी से करता हूँ, बस ईयरफोन लगा दो, माइक यूज करो और बोलते जाओ यार। और अगर मैं बात करूँ स्क्रिप्टिंग की तो स्क्रिप्टिंग मैं एमएस वर्ड से करता हूँ, वरना कॉपी और पेन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और अगर मैं बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन की तो फिफ्थ क्वेश्चन है फेवरेट एनिमे कैरेक्टर जिसने तुम्हें इंस्पायर किया। मैं यार खुद पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूट्यूब सफ़र की तो यूट्यूब जर्नी में मैंने जब वन पीस पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना तो मैं लूफी को देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, क्योंकि लूफी जिस तरह से अपनी जर्नी को जो इंजॉय करता ना वैसे ही मैंने ना इंजॉय किया वन पीस पे जब मैंने वीडियो बनाया, मैं बोर नहीं हुआ, मैं लूफी की तरह जो जर्नी को इंजॉय कर रहा था और इस वजह से जो मैं अभी तक जो टिक पाया। वरना यार गेमिंग वीडियो जब बनाता तब भी बोर होता था और जो बाकी वीडियोस पे भी मैं बोर होता था, लेकिन वन पीस पे बनाते हुए मैं बोर नहीं हो पाया, बस वही है, इसलिए कह सकते हो कि लूफी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो अगर हम लोग बात करें यहीं पर तुम्हारा जो सवाल है वो ख़त्म होता है, साथ ही मैं नीचे और भी कुछ लिखा है बाय द वे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन वो एक के लिए बचा के रखूँगा, आई होप 1K जल्दी होगा। हाँ यार हो जाएगा, बस वीडियो डालते जाना, जर्नी पे निकले तो जर्नी का इंजॉय लो, धीरे धीरे जो है हम लोग बढ़ते जाएंगे, एक ही बार में हम लोग को छलांग मार के आगे नहीं जाना, बस मज़ा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज फिर भाई ने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, भाई वाइफू से क्या एक्सपेक्टेशन है, जब साला मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखूँ यार, जैसे भी हो चल जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज तक कितनी एनिमे देखा है। यार बहुत सारे एनिमेस देखे हैं, मैंने गिना नहीं है, जब मैं फ्री टाइम पे रहता तो बहुत एनिमेस देखता था, ठीक है। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक फेवरेट एनिमे बताना तो मुश्किल है, इसलिए 3 फेवरेट एनिमेस बताओ, ठीक है। फर्स्ट पे जो वन पीस आता मेरा, सेकंड पे फेट सीरीज एंड थर्ड पे अटैक ऑन टाइटन, और फोर्थ क्वेश्चन है आज तक कितनी जीएफ पटाया है, बोलना सच बोलना और सबका नाम बताओ, ये आंसर का जवाब दो तब मजा आएगा। यार सही बोलूं, एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देव असलम भाई पूछते हैं, #askrvs फ्यूचर में कोलैब किसके साथ करोगे और आपको वन पीस के बारे में कैसे पता चला, लॉट्स ऑफ लव और लाल दिल। तो यार अगर बात करें तो फ्यूचर में कोलैब करने की तो हाँ बहुत जल्द जो है मेरा कोलैब वीडियो आने वाला है, तो तुम लोग बताओ कमेंट में एक्साइटेड हो या नहीं। अगर बात करें वन पीस के बारे में मुझे कैसे पता चला, तो वन पीस मेरा सेकंड फेवरेट एनिमे था यार, उसके ऊपर मैं कभी और जर्नी के बारे में बताऊंगा तो डिटेल में मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनिमे ओटाकू भाई के 2 क्वेश्चन है। पहला, लूफी को वन पीस कब मिलेगा, जब ओडा की मर्जी तब। सेकंड है, क्या प्रमोशन मिलेगा, ये एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर कहना था कि मैं क्वेश्चन को पिक करूंगा यानी, तो हाँ यार कर लिया, ये तो देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बाकी के सवालों की तरफ बढ़े, उससे पहले एक भाई ने मेरे ब्लैक बियर्ड वर्सेस थैंक्स वाले वीडियो में ना कमेंट किया था, अनमोल गोयल भाई ने बोला था, इफ दैट इन दिस केस देन थैंक्स नेवर मेंशन दैट स्कार थिंग बिकॉज ही नो दैट ही वाज वेरी वीक एट दैट टाइम। भाई पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें जो यहां पर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और ये एक Q&A वीडियो होने के बावजूद मैंने जो तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें जो Q&A वीडियो पे जवाब दूंगा इसका, लेकिन यहाँ पर अगर मैं जवाब देने जाऊँ तो 20 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा और तुम ऑलरेडी देख सकते हो कि 12 मिनट से भी ज़्यादा लंबा ये वीडियो बन चुका है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और वीडियो आने का वेट करो। मैं इसके ऊपर वीडियो पे काम स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से, और वो वाला वीडियो जो अलग से मैं तुम्हें बना दूंगा, 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि थ्योरी वीडियो का मैं जो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब और एक थ्योरी बना के, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेना। और इस वीडियो पे मैं तुम्हें जो है कमेंट लेने का सबसे बड़ा यही रीजन है कि मैंने तुम्हें वहां पे कमेंट करके बोला था कि Q&A में मैं तुम्हारा सवाल का जवाब दूंगा, और वीडियो लंबा होने के वजह से मैं आपको जो है सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो इसलिए माफ कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मोहन जी वर्मा ने, और इन्होंने बोला तेरा सबसे पहला एनिमे कौन सा है जो तूने देखा था। मेरा तो डेथ नोट है, उसकी वजह से मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था, मेरे लिए वो मास्टरपीस है। और तेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए भी वो एक मास्टरपीस है, और मैं सही बताऊँ तो डेथ नोट मैंने बहुत टाइम बाद देखा, पहले मैंने जो ड्रैगन बॉल सुपर देखना स्टार्ट किया था, जो कि एक एनिमे सीरीज की बात करूँ। अगर मैं मूवी की बात करूँ तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मैंने देखा, उसके बाद मेरे भाई ने जो रिकमेंड किया योर नेम देख, फिर आई वॉन्ट टू इट योर पैनक्रियास देखा,
और उसके बाद जब मैंने ड्रैगन बॉल सुपर कंप्लीट किया उसमें स्टोरी थी नहीं और मुझे वो ज़्यादा खास नहीं लगी। फिर मैंने जो है भैया देखना स्टार्ट किया वन पीस और फिर मैं वन पीस का फ़ैन बन गया। तो यार यही था स्टोरी, कभी उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नितिन भाई ने पूछा तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? तो यार यही था आज का वीडियो, मैंने सभी के सवाल नहीं ले पाया उसके लिए माफ़ कर दो, क्योंकि सभी ने जो है एक जैसे सवाल कुछ लोगों ने पूछे थे तो मैंने जो है ऐसा वीडियो बनाया कि सभी को जो है उनके सवालों के जवाब मिल जाए। हाँ अगर मैंने किसी का सवाल नहीं लिया तो माफ़ कर देना, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और एक बार जब 1K होगा तब फिर से जो है हम लोग एक Q&A करेंगे। और कैसा लगा Q&A कमेंट बॉक्स में बताओ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर मैं वन पीस रिलेटेड कंटेंट जो है बनाते रहता हूँ और दूसरे एनिमेस के बारे में भी हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे और हाँ उनके बारे में कम बात करेंगे लेकिन वन पीस पे ज़्यादा बात करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन जरूर ऑन करना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा ना तुम्हारे पास पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो यही बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।